सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज रियांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग MI 11X पे एक जो कि मैंने बहुत टाइम से मैं GCam यूज़ कर रहा हूँ 8.7 जो कि लेटेस्ट है, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग के डिवाइस में कैसी क्या परफॉर्मेंस देने वाला है। मीन्स इन द सेंस कि फोटो को ऑप्टिमाइजेशन कैसा रहेगा उसका, पोर्ट्रेट में कैसा है, फ्रंट पोर्ट्रेट कैसा, उसका वीडियो, सारी चीज़ें। इवन दो ये 8K तक की रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे फोन, मीन्स यहाँ हम लोग अपनी गैलरी ओपन करेंगे जहाँ पे मैंने इन फोटोज की शुरुआत की है। मैंने ऑलमोस्ट मेन कैमरे से चालू किया है, फिर 4K मीन्स 1080 30 कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन कैमरे की फोटोज़ चेकआउट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने ये डे लाइट में फ़ोटो क्लिक किए, लगभग हम लोग की यहाँ पे टाइमिंग जो थी 11:30 के आसपास की थी। दैट मीन्स कि आप समझ पा रहे हो कि हम लोग को मीन्स काफ़ी ज़्यादा डे लाइट देखने को मिली थी। उसमें भी हम लोग को यहाँ पे जो कलर कंट्रास्ट थे, सारी चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, इवन तो अगर मुझे कार का जो कलर है, उसके अलावा जो स्काई का कलर है, बिल्डिंग्स का जो है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग यहाँ आए इसके फिर मेन कैमरे के और फोकस पे कि ग्रीन कलर और सारी चीज़ें, मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिली हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इवन दो मैं अगर किसी बिल्डिंग्स की बात करूँ, सारी चीज़ें, तो उसमें भी मुझे आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब अगर हम लोग यहीं पर ही अगर बात करें, इसके अलावा जो ऑटो फोकस या बैक जो पोर्ट्रेट ब्लर है, इवन दो मैंने यहाँ पे ब्लर मीन्स पोर्ट्रेट ऑन नहीं किया था, उसके बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा इसका फोकस देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इस टैंक से लेके हम लोग को यहाँ पे पीछे का ब्लर सैंपल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके कैम मीन्स मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा था कि कितनी डिटेलिंग ये देता है, उस चीज़ पे आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से हम लोग को इसने दिया हुआ है। ये है हमारा मेन कैमरा और ये है वाइड कैमरा। तो इसका अल्ट्रा वाइड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन मुझे एक दिक्कत अल्ट्रा वाइड में आई है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि इस GCam में मुझे थोड़ी एक दो कमियां देखने को मिली है, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप ये मेन कैमरे के फोटो है, इसके अलावा ये हम लोग का अल्ट्रा वाइड है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि अल्ट्रा वाइड हम लोग को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। इवन तो हम लोग अगर इसके बैकग्राउंड की बिल्डिंग्स की बात करें, तो वो भी हम लोग को काफ़ी अच्छे कलर और कंट्रास्ट के साथ देखने को मिली हैं, मुझे तो काफ़ी बैलेंस देखने को मिला है। ये है हम लोग के माइक्रो की फ़ोटो जो कि GCam से मैंने क्लिक की है, मुझे इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा पंची और काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिले हैं। इवन तो अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ इनकी, तो डिटेलिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, आप यहाँ पे खुद ही देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएँ, इसके अलावा एक दो और मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, ये है नॉर्मल कैमरे से। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसका जो माइक्रो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा था, कि इतना जूम आउट होने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ये हम लोग की 1080 की 30 FPS की फुटेज जो कि आपको देखने को अभी यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका सही मीन्स एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक सा है। इवन तो हम लोग को ये यहाँ हम लोग को 1080 60 FPS पे है, वो गूगल फोटोज़ का मीन्स रेंडर नहीं हो पा रहा था, ये 60 पे है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हम लोग को यहाँ पे 4K 30 FPS का रिव्यू है, और यहाँ पे भी हम लोग के मीन्स माइक की टेस्टिंग और सारी चीज़ें, तो आप एक बार इसको भी चेकआउट कर लें। इसके अलावा 4K 60 FPS हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सारी वीडियोज़ में मैंने वॉक किया हुआ है, और जो कैमरा स्टेबलाइजेशन होता है वो भी मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। ये 8K 30 FPS पे है, और जैसे आप देख पा रहे होगे 8K 30 FPS है, ओके। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे 8K 60 FPS भी देखने को मिलता है, जो कि सही से काम कर रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे आएँ, ये हम लोग का है वाइड एंगल पे, जो कि 1080 60 है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को आउटपुट जो देता है वो 30 के लगभग ही देता है। यहाँ पे 4K 60 हम लोग को ये देखने को मिला है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को वही मीन्स आउटपुट देखने को मिला है, जो कि 60 से 30 FPS पे ही होता है, कुछ हम लोग को 60 जैसी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती है। ये है हम लोग का माइक्रो कैमरे का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आई थिंक टाइनी सा है, एक
शायद इतना ही छोटा होगा, मुश्किल से उसकी हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करने की कोशिश की थी। यह है माइक्रो का वीडियो कैमरा, जिसमें हम लोग को आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। कलर भी मुझे पंची देखने को मिले हैं और काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे इसके मीन्स ओवरऑल मुझे इस कैमरे में, इस जी कैम में इसके कलर्स जो हैं वो जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। जिस तरीके से जो आउटपुट आता है, ह्यूमन पोर्ट्रेट आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि मुझे इसने कितने अच्छे से क्रॉप आउट किया है सारी चीज़ें। इवन दो स्किन टोन जो है इसकी वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ आए इसके फ्रंट कैमरे पे, तो फ्रंट कैमरे में हम लोग को भी काफ़ी अच्छी स्किन टोन, इवन दो हम लोग को यहाँ हल्का सा ब्लर देखने को मिला है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये था सबसे पहले जब टैप टू फोकस नहीं किया था हम लोगों ने, तो इसने मुझे ही ब्लर मार दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो कि काफ़ी अच्छा था टैप से फोकस करने के बाद, मुझे इसने शर्ट के जो कलर है, इवन दो जैकेट का जो कलर है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा इसने आउटपुट दिया। स्किन टोन भी मुझे काफ़ी बेहतर देखने को मिली है यहाँ पे। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें पैरानोमा की, तो वो भी यहाँ पे हम लोग का सही से काम करता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 360 के आसपास, 360 नहीं 180 कह सकते हैं, उसमें भी मुझे इसने निराश नहीं किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे है नहीं, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसके कंक्लूजन वाले पार्ट पे, जो कमियाँ मुझे लगी हैं थोड़ी बहुत, जो कि 8K पे रिगार्डिंग है। और दूसरी चीज़ इसके जो हैं, हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिली थी वो थी इसके वाइड एंगल पे कलर सेचूरेट हो जाते हैं, मीन्स कलर थोड़े हल्के फुल्के फेड हो जाते हैं वाइड एंगल पे, तो ये कमी है मुझे थोड़ी बहुत देखने को मिली है। इसके अलावा इस जी कैम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप भी अपने MI 11X पे इस जी कैम को ट्राई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ मेरा कंक्लूजन है जो कि जी कैम मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था उसके ऊपर, जो कि हमारे MI 11X और POCO F3 और Redmi K40 के ऊपर है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले पीस आउट। ये है 1080 का 30 FPS, जो कि कुछ इस तरीके से स्टेबलाइजेशन इसका ऑन है, उसके बाद भी हम लोग को कुछ ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये है 1080 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन ऑन है। उसके अलावा बैकग्राउंड साउंड और माइक की क्वालिटी आप खुद ही बता दीजिएगा कमेंट में कि कैसी है। यह 4K 30 FPS स्टेबलाइजेशन अभी भी ऑन है, और इसमें माइक की क्वालिटी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे। ये जो कि मेन कैमरे से हैं सारे के सारे अभी तक की जितने भी शॉट ले रहे हैं हम लोग, यह 4K 60 FPS जिस पे हम लोग का स्टेबलाइजेशन अभी भी ऑन है। मैं अभी फिर से वॉक कर रहा हूँ, ये 4th राउंड है, और अब दैट्स इट।
यह 8K 30 FPS पे, जिस पे अभी भी स्टेबलाइजेशन ऑन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली हैं, स्टेबल उतना नहीं हो पाता है। खैर देखते हैं आगे। यह 8K 60 FPS स्टेबलाइजेशन ऑन है और मैं सेम वैसे ही वॉक कर रहा हूँ जैसे कि 1080 60 पे वॉक कर रहा था, 4K 60 पे वॉक कर रहा था, और बाकी कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो ये वाइड एंगल पे है 1080 60 पे, लेकिन कुछ भी ले दे के अगर हम लोग कर भी लें तो ये 30 FPS ही दे रहा है हम लोग को। तो बता दीजिएगा यार कैसे वाइड एंगल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कुछ मेरा हाथ है, यहाँ रेखाएं हैं मेरी। खैर यह है 4K 60 FPS वाइड एंगल पे और अभी भी चीज़ें थोड़ी बहुत सही चल रही हैं। हवा की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, लेकिन पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं।